कक्षा 7 सब्जेक्ट गणित, दिनांक 7 सितंबर 2021। आज के होमवर्क के टोटल आपको 5 क्वेश्चन दिए गए, तो आइए इस वीडियो के द्वारा हम पांचों क्वेश्चनों का आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेहा एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 से 1.2 घंटे पढ़ती है। नेहा ने पूरी पुस्तक को 7 दिन तक पढ़ा। नेहा को पुस्तक को पढ़ने में कुल कितने घंटे लगे, यानी प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ती है? 1.5 घंटे पढ़ती है और उसने 7 दिन तक कंटिन्यू पढ़ा है, तो कितना समय लगेगा? तो एक दिन में कितना पढ़ती है? 1 से 1.2 घंटे। ये मिश्र भिन्न में है तो इसको हम साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, 2 को 1 से गुणा करेंगे फिर 1 जोड़ देंगे, तो 3/2। एक दिन में कितने घंटे पढ़ती है? 3/2। पूरी पुस्तक को कितने दिन में पढ़ा? 7 दिन में, तो 3/2 को हम 7 से गुणा कर देंगे। 7 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 21, और बट्टा में क्या रहेगा? 2, तो 21/2। 21 में 2 का भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा? 10 बार। शेषफल कितना बचेगा? 1, और भाग किसका देते हैं हम? 2 का, तो 10 सही 1/2 घंटे, यानी 10.5 घंटे लगेंगे उसको पूरी किताब को पढ़ने में। प्रश्न संख्या 2 आपको दी गई है, एक बस 1 लीटर डीजल में 7 किलोमीटर चलती है, 10 से 2/3 लीटर डीजल में कितने किलोमीटर चलेगी? तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे हम, 1 लीटर डीजल में कितना चलती है? 7 किलोमीटर, और टोटल डीजल कितना है? 10 से 2/3 लीटर। ये मिश्र बिंद में साधारण बिंद में चेंज करेंगे तो 10 3 30, और 30 में 2 जोड़ देंगे तो 32/3। टोटल इतना लीटर डीजल है, 1 लीटर में 7 किलोमीटर चलती है, तो इतने लीटर डीजल में कितने किलोमीटर चलेगी? तो 32/3 को हम 7 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 224/3, और 224 में 3 का भाग देंगे तो आएगा 74 बार जाएगा, 2 शेषफल बचेगा, 3 का हम भाग रहे हैं, 74 से 2/3 किलोमीटर। इसके अंदर प्रश्न संख्या 3 है, सुमन प्रतिदिन 7/2 किलोमीटर साइकिल चलाती है, 5 दिन में कितने किलोमीटर चलाएगी? तो एक दिन में कितना चलाती है? 7/2 किलोमीटर, तो 5 दिन में कितना चलाएगी? तो 5 से हम 7/2 को क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, 7/2 × 5, 7 × 35/2, और 35 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 17 से 1/2, यानी 17.5 किलोमीटर चलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, राधा मिट्टी से 1 खिलौना 2.5 घंटे में बनाती है, उसे ऐसे 4 खिलौने बनाने में कुल कितना समय लगेगा? तो इसका हल हम लिखेंगे, 1 खिलौना बनाने में समय लगता है 2.5 घंटे। मिश्र भिन्न है तो इसको साधारण भिन्न बनाएंगे, 2 × 2 = 4, 4 में 1 जोड़ देंगे 5, तो 5/2। 4 खिलौने बनाती है तो 4 खिलौने में कुल समय कितना लगेगा? तो 5/2 को हम 4 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, 5/2 × 4, 5 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 20/2, और 20 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 10, तो 4 खिलौने बनाने में कितना समय लगेगा उसको? 10 घंटे। इसके अंदर लास्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पर आपको दिया गया है 2/3 गुणा, फिर ब्लैंक दे रखा है, और बराबर में दिया हुआ है 24/36, यानी ये 2/3 है, इसको हम किससे गुणा करेंगे? 24/36 है, तो 2 को 12 से करेंगे, 3 को भी किससे करेंगे? 12 से, 2 को 12 से करेंगे तो 24, 3 को 12 से करेंगे तो 36, तो यहाँ पर ब्लैंक में आ जाएगा 12/12। ऐसे ही दूसरा है 5/8 है, तो 5 को किससे गुणा करेंगे? 35 आए, 7 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार 800 को किससे गुणा करेंगे? 56 आए, तो 8 को भी हम 7 से करेंगे, तो खाली स्थान में क्या आ जाएगा? 7/7। तो आज के होमवर्क के टोटल 5 क्वेश्चन थे, इस तरीके से आपको ये 5 क्वेश्चन करने हैं। धन्यवाद।